मकई, भुट्टा या कॉर्न वैसे तो खेतों में उगाया जाता है, पर आप 100% ऑर्गेनिक कॉर्न को अपने घर पर गमले या कंटेनर्स में भी उगा सकते हैं, वो भी बिना ज्यादा मेहनत और देखभाल के। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप गमले में भी आसानी से बड़े बड़े बेहतरीन क्वालिटी के कॉर्न उगा सकते हैं, बीज लगाने से लेकर हार्वेस्टिंग तक पूरे 90 दिनों के ग्रोथ अपडेट्स के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं शिरीष और आप देख रहे हैं बोनसाई एंड गार्डनिंग जोन। अपनी बालकनी या छत पर गमले में कॉर्न उगाना किसी भी फल या सब्जी उगाने से ज्यादा आसान है और सिर्फ 80 से 90 दिनों में ये तोड़े जाने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। मकई का प्लांट उगाना तो बड़ी बात नहीं है, पर सही तरीका मालूम होने पर ही आप गमले में बड़े फ्रूट उगा सकेंगे जिनमें दाने भी भरे हुए होंगे। सबसे पहले लेना होगा मकई के अच्छी क्वालिटी के बीज। इसके लिए आप देसी वैरायटी के मकई के दाने भी ले सकते हैं। मैं अमेरिकन कॉर्न के ये बीज ले रहा हूँ, इसे स्वीट कॉर्न भी कहते हैं। फास्ट जर्मिनेशन के लिए मैं इसे 24 घंटे के लिए पानी में भिगोकर छोड़ रहा हूँ। बीजों को सीधे मिट्टी में डालने की जगह सीडलिंग मिक्स में जर्मिनेट करना चाहिए, इससे सीडलिंग के रूट सिस्टम की ग्रोथ अच्छी होती है। सीडलिंग मिक्स बनाने के लिए 50% वर्मी कम्पोस्ट और 50% कोकोपीट लेकर अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब इस मिक्सचर में थोड़ा सा पानी डालकर सीडलिंग ट्रे में भर लीजिए। सीड्स को 1.5 सेंटीमीटर गहरा लगाकर मिक्सचर से कवर कर दीजिए। अब जर्मिनेशन होने तक इस सीडलिंग ट्रे को पार्शियल शेड में रखना होगा। 10 दिनों बाद सीड्स जर्मिनेट हो गए हैं और सीडलिंग्स 4-5 इंच लंबे हो गए हैं। दोस्तों, सीडलिंग्स अब 15 दिन के हो चुके हैं और अब ये कंटेनर में ट्रांसफर किए जाने के लिए तैयार हो गए हैं। कॉर्न को गमले में उगाने के लिए कम से कम 20 इंच का पॉट लेना चाहिए, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत ज्यादा फैलती हैं और इसे फलने फूलने के लिए ढेर सारी मिट्टी और स्पेस की भी जरूरत होती है। कॉर्न प्लांट को कभी भी छोटे से गमले में नहीं लगाएं। छोटे से गमले में प्लांट उग तो जाएगा, लेकिन इसमें या तो फ्रूट नहीं आएगा और अगर आया भी तो बहुत छोटा आएगा, जिसमें दाने मैच्योर भी नहीं हो पाएंगे। मैं कॉर्न प्लांट को इस 15 इंच लंबे, 21 इंच चौड़े और 15 इंच गहरे ग्रोइंग कंटेनर में उगाने जा रहा हूँ। इसे मैंने प्लास्टिक की पुरानी फ्रूट क्रेट से बनाया है। फ्रूट क्रेट से किस तरह बड़ा कंटेनर बनाया जाता है, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। इस वीडियो को देखने के लिए ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक कीजिए। कॉर्न प्लांट किसी भी तरह की मिट्टी में आसानी से उग जाता है, पर यदि आप इसे गमले में उगा रहे हैं तो आपको जरूरत होगी न्यूट्रिशन से भरपूर वेल ड्रेन्ड ऑर्गेनिक मिट्टी की। बेस्ट पॉटिंग सॉइल बनाने के लिए आपको चाहिए गार्डन सॉइल 50%, वर्मी कंपोस्ट या अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद 30%, कोकोपीट या रिवर सैंड 20% और 2 मुट्ठी नीम खली पाउडर, जो कि ऑर्गेनिक फंगिसाइड का भी काम करता है। मैंने कंटेनर में सॉइल मिक्स भर लिया है और अब मैं इसमें सीडलिंग लगा रहा हूँ। आप देख सकते हैं सीडलिंग मिक्स में लगाने पर कितना अच्छा और हेल्दी रूट सिस्टम डेवलप हुआ है। सीडलिंग को कम से कम 8 से 10 इंच की दूरी पर लगाइए, क्योंकि ये काफी घने होने वाले हैं और 5 से 6 फीट तक लंबे भी होंगे। मैं इसमें 4 प्लांट्स लगा रहा हूँ। एक ही कंटेनर में ढेर सारे पौधे मत लगाइए, क्योंकि ओवरक्राउडिंग होने पर सभी पौधे एक दूसरे से न्यूट्रिशन के लिए कॉम्पिटिशन करेंगे और किसी की भी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी। सीड लगाने के 42 दिनों बाद पौधे 2 फीट लंबे हो गए हैं और इसकी पत्तियां भी चौड़ी निकल रही हैं। 50 दिनों में प्लांट्स लगभग 4 फीट ऊंचे हो चुके हैं और इसमें ढेर सारी बड़ी बड़ी पत्तियां भी आ गई हैं, जिससे प्लांट्स काफी घने हो गए हैं। प्लांट्स में टॉप पर फूल आना भी शुरू हो गए हैं। इन फूलों को टेसल कहते हैं, ये मेल फ्लावर्स होते हैं। कॉर्न प्लांट 64 दिनों के हो चुके हैं और प्लांट्स भी अब 5 फीट लंबे हो गए हैं। देखिए इसकी जड़ों ने किस तरह से मिट्टी को पकड़कर एंकर कर लिया है, इससे तेज हवाओं में भी ये प्लांट गिरते नहीं हैं। इसमें कॉर्न फ्रूट आना भी शुरू हो गए हैं। टेसल पर ये जो छोटे छोटे फूल आप देख रहे हैं, ये होते हैं मेल फ्लावर। इनमें पॉलन्स होते हैं जो हवा से गिरकर नीचे पत्ती के बीच से आने वाले फीमेल फ्लावर यानी सिल्क को पॉलिनेट करते हैं, जिससे इस तरह से फल बनता है। 75 दिनों बाद सभी प्लांट्स फुली मैच्योर हो गए हैं। फ्रूट्स का साइज भी बढ़ गया है।
अब मैं चेक करूंगा कि इसमें कॉर्न सीड्स डेवलप हुए या नहीं। इसे इस तरह से थोड़ा सा छील कर देखते हैं। दाने अभी बड़े नहीं हुए हैं, कुछ दिनों के लिए इसे और बढ़ने देते हैं। ध्यान रहे कि इन्हें प्लांट पर ज्यादा समय तक भी नहीं लगे रहने देना है, नहीं तो दाने कड़क हो जाएंगे। दोस्तों ये है रिजल्ट 3 महीने बाद का, और जैसा कि आप देख रहे हैं सभी भुट्टे पूरी तरह से मैच्योर हो चुके हैं। इसके छिलकों का कलर फेड होने लगे तो समझ लीजिए कि ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो गए हैं। तो चलिए इन्हें हार्वेस्ट करते हैं। इन्हें तोड़ने के लिए इस तरह से ट्विस्ट कीजिए। अब मैं इन्हें छील कर देखता हूं। आप देख सकते हैं भुट्टों में सॉफ्ट सीड्स बन चुके हैं। हालांकि इसके दाने उतने बड़े और भरे हुए नहीं हैं जितने बाजार वाले स्वीट कॉर्न में आते हैं, क्योंकि हमने इन्हें गमले में उगाया था। फिर भी रिजल्ट काफी सेटिस्फैक्टरी है। मेरे गार्डन में कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। इसके छिलके और सूखे हुए प्लांट्स जाएंगे उसी कॉम्पोस्ट बिन में जिसकी खाद से ये प्लांट बड़ा हुआ था। कॉर्न को आप मई से अक्टूबर तक उगा सकते हैं। बरसात का मौसम इसे उगाने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। कॉर्न प्लांट काफी तेजी से बढ़ता है और इसलिए ये हैवी फीडर भी होता है। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इसमें न्यूट्रिशन से भरपूर ऑर्गेनिक खाद देने की जरूरत होती है। सीडलिंग को कंटेनर में ट्रांसफर करने के बाद हर 15 दिन में एक बार 2 मुट्ठी पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद या होममेड कंपोस्ट डालें और हल्की गुड़ाई भी कर दें। मैं अपने ज्यादातर पौधों में किचन वेस्ट से कंपोस्ट खाद बनाकर डालता हूं, जिससे मुझे ये शानदार रिजल्ट मिलते हैं। किचन वेस्ट से कैसे खाद बनाते हैं इस पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है। इस वीडियो को देखने के लिए ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक कीजिए। कंपोस्ट से पौधों की नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस की जरूरत पूरी हो जाती है, मगर फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी सूक्ष्म पोषक तत्व की भी जरूरत होती है। गमले में बड़े बड़े फ्रूट्स पाने के लिए महीने में एक बार बायोजाइम डालना चाहिए। बायोजाइम प्लांट एक्सट्रैक्ट से बना हुआ ऑर्गेनिक ग्रोथ बूस्टर होता है, जिसमें वो सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधों को ग्रोथ की हर स्टेज पर चाहिए होते हैं। इससे फलों में भी तेजी से ग्रोथ होती है। इस साइज के कंटेनर में आधी मुट्ठी बायोजाइम ग्रेन्यूल्स डालकर हल्की सी गुड़ाई कर देते हैं। बायोजाइम आपके सिटी के किसी भी बड़े एग्रीकल्चर स्टोर पर या ऑनलाइन भी आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। अच्छी तरह से फलने फूलने के लिए कॉर्न प्लांट्स को ढेर सारी धूप चाहिए, इसलिए कंटेनर को ऐसी जगह रखना बहुत जरूरी है जहां दिन में कम से कम 8 घंटे धूप आती हो। इन प्लांट्स को ढेर सारे पानी की जरूरत होती है, इसलिए जब भी मिट्टी सूखी लगे इनमें भरपूर पानी डालना चाहिए। तो दोस्तों मेरी तरह आप भी आसानी से अपनी छत या बालकनी में कंटेनर्स में भी ऐसे ढेर सारे शानदार और 100% ऑर्गेनिक स्वीट कॉर्न उगा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन गार्डनिंग।